गुड मॉर्निंग, यह है मॉर्निंग टाइम और सुबह के बज रहे आई थिंक 6:30 नहीं, 7:45, 7:45 हो रहे, 7:45 बजे। तो जीतू भी लकीली उठ गया था और जीतू के उठने की वजह से जो है वो जिद करने लगा कि मुझे भी जाना है पिल्लू दादा को छोड़ने, मुझे भी जाना है। तो बस वो तीनों चले गए और इसके बाद आप आगे चल के देखिए कि जीतू को प्रॉपर स्वेटर जैकेट सब कुछ, मतलब मंकी कैप वगैरह सब कुछ पहनाया गया है। तो बस अभी इन लोगों को मैं बाय बाय कर दूँ और ये लोग गए यहाँ से। और उसके बाद जो है इनू को स्कूल छोड़ा इसके पापा ने, उसके बाद जो है ये दोनों बेटा और पिता घूमने चले गए गार्डन में। तो वहाँ पे बहुत से पिजन्स थे तो उनको दाना वगैरह दिया, फिर घूम फिर के आए। और ये जो है ना, इसका घूमना फिरना बहुत भारी पड़ गया बाद में, सबसे ज़्यादा भारी पड़ गया। और ये है ब्रेकफास्ट हमारा, मेदू वड़ा, इडली और दाल वड़ा, जो कि अब इससे अलावा, इसके अलावा और क्या खा सकते मुझे नहीं पता है। तो बस ये मॉर्निंग का हो गया ब्रेकफास्ट। और उसके बाद यीशु ने मूवी के टिकट्स निकाले थे तो वो टिकट्स निकालने के बाद फिर मैंने सोचा यार कैंसिल, फिर अब कैंसिल, क्योंकि लास्ट टाइम भी टिकट्स उसने निकाले थे तो वो कैंसिल कर दिए थे हमने। तो कैंसिल करने की वजह से ये होता है ना कि पैसे माइनस हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए, हम एक्चुअली देखनी थी पठान, पर पठान की टिकट जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और आए हैं फिर से मूवी देखने के लिए। कौन सी मूवी? गांधी गोडसे। गांधी गोडसे जी जी दिकड़ेश। और जी देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो ये यहाँ पर, यहाँ पर जा रहा था जी। तो अभी टाइम, अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट तक हम लोग क्या करें। तो एक्चुअली मुझे देखनी थी ये वाली मूवी, पर इसकी जो टिकट्स है ना वो बहुत कॉस्टली है और ईशू को छुट्टी नहीं मिल रही, तो फिर हमने कैंसिल किया। तो ईशित ने आज हम लोगों के लिए गांधी गोडसे वाले टिकट निकाली, तो बस अभी हम लोग वही देखेंगे और पठान देखते हैं। जब ईशित को छुट्टी होगी तब हम आएंगे देखने के लिए, है ना? हाँ मित्रानो, चलिए तब तक देखते हैं, ऐसे खुशबू लेते हैं यहाँ पर खड़े होके हम लोग। तो बस हम बैठ चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं अंदर जाने के लिए, और उसके बाद बैठेंगे। तो देखो तो भाई साहब पूरा जो है वो हॉल खाली है, ठीक है, मतलब कोई पिक्चर देखने नहीं आया, सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 लोग होंगे, ठीक है। इंटरवल के बाद जो है देखा तो भगवान। और हिस्टोरिकल मूवी है तो इतनी कुछ मुझे पसंद नहीं आई जितना मुझे लगा था कि स्टोरी वगैरह ऐसे पता लगेंगी, तो मेरे तो सर के ऊपर से चली गई वो पिक्चर, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। गांधी गोडसे, ठीक है। तो फिर और ऊपर से कोई था ही नहीं यार, और ऊपर से इतना मुझे भारी पड़ गया ना, एक तो एसी इतनी पता नहीं कितने हाई स्पीड पर रखी हुई थी उन्होंने, मतलब इतनी ठंडी लग रही थी इतनी, जबकि जीतू को देखिए मैं पूरा उसको कवर करके लेके गई थी। हाँ, और ये है अपना नेशनल एंथम जहाँ पे हम सब खड़े होके, तो जीतू का हमेशा होता है जब भी वो गाना बजता है ना, मतलब जनगण मन बजता है ना, तो वो ऐसे सैल्यूट करके खड़ा हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी किया था बट वो अंधेरे में ना शूट नहीं हो पाया, तो इस बार मैंने उसको बोला था इनो को कि फ्लैश लाइट ऑन करके कर, हो सकता है शायद दिख जाए। तो मतलब देखिए बच्चे को भी इतना पता है कि ये ऐसी रिस्पेक्ट देनी है, तो खड़े हो रहे सब लोग, तो हमें भी खड़ा होना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो हम करते हैं ना वही बच्चे करते हैं, तो कोशिश करना कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ें करें ताकि बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही बने रहे। और मैं आपको बीच बीच में जो है हॉल दिखा रही थी कि कोई नहीं है, देख लो पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। तुम पूछा डॉक्टर तुमको आइसक्रीम चाहिए क्या? नहीं, मैं जब देखा तुमको कैमरे में, तुम आइसक्रीम खा रहा था अकेले अकेले, मस्त मस्त स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अंकल के लिए लाया आइसक्रीम। तो तुम मुझे अगली बार लेके आना, वो खिलौना है मेरा, मेरे पास, तुम उसको आइसक्रीम पूछता नहीं है। आइसक्रीम दोगे? कब लेके आओगे बताओ? कौन सा फ्लेवर है देखा क्या तुम? कौन सा फ्लेवर है ये? अरे तुम लेने का नहीं, वो मेरा करते नहीं तुम? मैं करता हूँ। ए फॉर बॉल ना? बॉल।
बी फॉर कैट ना, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर तू क्या होता है, ए फॉर बोलो बताओ, नहीं इंजेक्शन लगाएंगे भाई, ए फॉर एप्पल ना, एप्पल खाते हैं कि खेलते हैं, खाते हो, और बी फॉर बॉल ना, बॉल भी खाते हैं ना हम लोग, अरे तो खाए करो, कोशिश करो खा के देखो, बहुत मजा आता है, खाओगे ना आ करो, फीवर वगैरह नहीं ना उसको, नहीं कुछ गर्म वजन तो नहीं लग रहा, लग रहा तुम लड़के क्या लड़की है तुम बोलो, मिला तुम लड़की है, गर्ल है ना, बोलो मैं लड़का हूँ, बॉय हूँ, हाँ आ जाओ नीचे, खांसी कब से कर रही है, आज सुबह से मॉर्निंग सोते ही। तो सुना आपने, डॉक्टर जो है ना वो इसके फ्रेंड हो चुके हैं अभी मतलब उसको वो डॉक्टर बहुत पसंद है, तो उसके बाद बस ये लोग आए और इनू जो है खाना वाना खा के सो गया था, और उसको मतलब एक्चुअली वो जीतू को सुला रहा था, तो वो भी सो गया था उसके साथ में, तो मैं वही बोल रही थी भाई उठ जा मेरी जगह है वो, तो ये लोग जो है वो बाहर सोते हैं ना हॉल में, और मैं और जीतू हम लोग बेड पर सोते हैं और वो लोग कम बेड पर सोते हैं, तो मैं उसको वही बोल रही थी, और जीतू को मैं बोल रही थी उधर खिसक, तो जीतू भी खिसकने को तैयार नहीं तो यही चल रहा था, और उसके बाद फिर उसकी दवा वगैरह लेकर आए थे, तो दवा वगैरह दे के फिर वो सो गया था जीतू, और मैं लास्ट टाइम जो मैंने आपको कबड्डी दिखाया था तो सब बिखरा हुआ था, तो मुझे टाइम मिला, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया, अभी आप देख सकते हो कबड्ड की हालत मेरे ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो शोकेस और दोनों कबर्ड्स सब कुछ लगा दिया मैंने सब कुछ। अब आप सिर्फ डेट याद रखना कि मैं ये वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ, और कुछ दिनों बाद मतलब एक दो दिन के बाद ही देखना, अगर आप चाहो ना तो मैं कल के वीडियो में भी डाल सकती हूँ कि इसके पापा का, इनू का और ईशू का, तीनों का जो है ना उनका जो शेल्फ है वो बिगड़ा हुआ मिल जाएगा ठीक है। और ये तो देखिए इनू ने तो वैसे ही कपड़े निकाल के वैसे ही उसने रख दिए थे, तो मैं भी यार थक जाती हूँ, इन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि कितना काम करूँ मैं भी, जिंदगी है मेरी भी, मुझे भी जीने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो और बेड मैंने इस तरफ कर दिया, बस वही मैं बता रही थी, और एकदम दरवाजे के सामने वो मैं आपको दिखा रही थी ठीक है, तो और उसके एग्जैक्ट बाजू में मैंने कबर्ड ले लिया है। हमरे जीतू की तबीयत जो है ना वो बहुत ही खराब हो गई है, आप चेहरा देख सकते हो इसका, निन्नी आ रही है नहीं, तो फिर देखिए गाइस, देखिए दिखाओ, हाँ यार मस्त है, तो जीतू की जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी एक्चुअली क्या बहुत ज्यादा खराब है, सर्दी खांसी और बुखार। क्या खाया था जीतू ने, जीतू ने क्या खाया था, जूटा कुल्फी खाई थी ना, तो इतू सी खाली एक मतलब टेस्ट करने की कितनी बड़ी सजा मिली है हमको कुल्फी की, हाँ है ना, तो अभी से कुल्फी खाओगे, नहीं तो चैनल विशूज लाइव मी मुंबई कर, तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और दो या तीन दिन के बाद जो है मैंने मतलब मैंने शूट करके रखा है, बस मैं व्लॉग जो है ना वो मतलब एडिट नहीं कर पाई ना अपलोड कर पाई, एडिट ही नहीं किया तो अपलोड कहाँ से करूंगी ना यार, तो घर के कामों में बिजी अपनी जो लाइफ है, हाँ ते ऑन होते हैं।
स्विच ऑन होतोय, स्विच ऑफ झालेला. तो बस बेड वगैरह मैंने यहां से वहां रख दिया, कबर्ड वगैरह थोड़ा सेटअप चेंज कर लिया अपना. अच्छा लगता है ना थोड़ा सा चेंज अगर घर में करो कहीं. अब देखो बार बार तो हम अपने रूम्स जो है वो बदल तो नहीं सकते, तो ये है कि घर का सेटअप थोड़ा सा इधर उधर 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 किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में. तो बस और देखते अभी अभी मतलब मैं सोचती हूँ जितना अभी देखिए मैंने कबर्ड लगा दिया, ठीक है दोनों कबर्ड्स लगा दिए. अभी इनू और इसके पापा ये दोनों इतने, और इशित भी. हाँ एक्चुअली आज सुबह इशित के कपड़े सारे वापस मैंने निकाले. मैंने कहा मैंने अच्छे से सेट किया था ना वैसे ही सेट कर वापस, मतलब उसके टी शर्ट जो थे आगे के वो जो है उसने गिरा दिए थे. तो फिर उसको मैंने सुबह सुबह गुस्से में उसको बोला, सारे टी शर्ट मैंने उसके जो फ्रंट जो रखे हुए थे ना फ्रंट साइड में तो उसको मैंने नीचे गिराया. मैंने बोला वापस लगा, तो उसने फोल्ड वगैरह किए. और इनेश के पापा और इशित इन मतलब तीनों को कहते हैं ना भैंस के आगे बिन बजाना, तो ये तीनों वैसे ही है करते रहो. क्या मैंने बोला भैंस के आगे बिन बजाना, भैंस के आगे बिन बजाना तुम्हारे पापा और तुम्हारे दोनों भाई कुछ काम बोलो तो कुछ करते तो है नहीं, बस काम बिगड़ते हैं, है ना. कुछ काम करते बोलो नहीं, नहीं करते ना, सब काम मम्मा को करना पड़ता है. हाँ. मम्मा कितना थक जाती है. हाँ. है ना. हाँ. फिर मैं काम करूंगा. फिर हाँ मेरा बच्चा तू तो काम करेगा. हाँ. पर तू अभी बड़ा होगा तब ना, अभी तो तू छोटा है. मैं तो सब काम करूंगा, मैं पानी लगूंगा फिर मैं साइकिल नीचे लगूंगा. अच्छा. फिर सब ये लग दूंगा, फिर सब आपकी मैं हेल्प करूंगा. अरे मेरा बच्चा, मेरो सोना, मेरा चांदी, मेरो हीरो, मेरो मोती, सब मम्मा की हेल्प करेगा. हाँ. तो मम्मा आराम करेगी ना. हाँ. है ना. हाँ. क्यूटी पाई. ये बच्चे कितने मासूम होते ना, उनके उनकी मतलब कहने ना बातों से ही अपना पेट भर जाता है. वो जिस तरीके से प्यार भरी बातें करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. तो बस यार ठंडी की वजह से बैक पेन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है ना, पर फिर भी काम जो है वो खत्म नहीं होते और काम मतलब करने ही पड़ते अपने को. ठीक है. एक होम मेकर को बिल्कुल एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है. सो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही फंड है. सोचती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँ, लेटी रहूँ, पर नहीं, कुछ ना कुछ काम. अभी देखिए आज मैंने पूरा शोकेस का ड्रॉवर वगैरह सब कुछ सेट किया. फिर इनेश को मैंने बोला कि वो बाहर का जो विंडो वाला है तो वो लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी ना दिवाली की, तो वो फाइनली आज निकाली और यहाँ की लाइटिंग निकालनी है. तो यहाँ पे एक्चुअली अभी कपड़े सूख रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ के लिए निकाली. फिर ये रख के एक साथ में ऊपर रख देंगे. ठीक है. और चलिए फिर कुछ याद आता है तो बात करते हैं. ओके बाय.